हेलो सो गाइज, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? शायद ठीक ही होंगे। तो आज हम आपके लिए, देखिए कितना अच्छा फ़ोटो, कितना क्वालिटी फ़ोटो ले आया हूँ। माय डीपी फ़ोटो एडिटिंग कैसे करेंगे, अपना डीपी फ़ोटो एडिटिंग। तो देखिए, जैसे गाइज यही है मेरा डीपी, यहाँ यूट्यूब चैनल पे देखें, देखिए वहाँ यही फ़ोटो लगा है। तो आप कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिट कैसा करना चाहते हैं, तो बहुत ही धमाल मचाएगा आज हम आपको बताऊंगा। और हाँ, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे यही है ओरिजिनल पिक, यही है मेरा, और कैसे एडिट कर दिया हूँ। देखो इस साइड में कितना क्वालिटी, कितना अच्छा लग रहा है फ़ोटो। तो कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम अपने वीडियो को, लंबा हो जा रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपना ओरिजिनल पिक ले लेना होगा। तो ओरिजिनल पिक ले लेना होगा तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपको सेंड करना होगा अपने लाइट रूम के अंदर, एडिट इन एलआर, इसमें हम आएंगे और फ़ोटो एडिट करके आज हम आपको बताएंगे। तो तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और देखिए, आपका स्टार भाई जैसे बता रहा है ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, न्यू ट्रिक से बताएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ देखिए आउटो, आउटो पे क्लिक कर देना होगा। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर, आपको यहाँ लाइट में आके कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको यहाँ आउटो पे क्लिक कर देना होगा, आपका फ़ोटो एक क्लिक में एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ कलर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ कलर मिक्स पे आ जाना होगा और रेड वाले ऑप्शन को अपने फ़ोटो को हिसाब रख लेना होगा, तो आपको जितना रखना होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए सैचुरेशन हम कम कर लेते हैं, फिर यहाँ फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड सैचुरेशन कम कर लेते हैं एंड ल्यूमिनेंस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ येलो पे क्लिक करके कम कर लेना होगा और यहाँ ग्रीन पे क्लिक करके बढ़ा लेना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से देखिए डन कर देना होगा, फिर यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करके और टेक्सचर बढ़ा लेना होगा और क्लियरिटी भी बढ़ा लेना होगा। तो इसको कम से कम आपको रखना है +69, ठीक है। फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा बिगनेट कम कर लेना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसे था फ़ोटो, अब कैसा हो गया। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अपना हॉट कलर कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए नीचे आपको मैं दिखा ही दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए नीचे इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और देखिए यहाँ ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब इसको जूम करके अपने होंट पर अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह का, अपने हल्के हाथ से, ठीक है। फिर यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और टिंट को बढ़ा लेना होगा और सैचुरेशन को भी और टेम्प को भी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कलर का ऑप्शन है, आपको जो भी कलर रखना होगा वो कलर रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से डन कर देना होगा। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा कलर हो गया। अब फिर यहाँ से शेयर करना होगा अपने स्नैपशीट के अंदर। अब देखिए यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने शेयर स्नैपशीट के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो जैसे देखिएगा यहाँ मेरा स्नैपशीट है, इसके अंदर हम आ जाते हैं। तो हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ नीचे देखिए, अब यहाँ स्मूथ का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ स्मूथ देखिए, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ से डन कर देना होगा बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, जहाँ जहाँ आपका ब्लैक है वहाँ वहाँ गोरा कर लेना होगा कुछ इस तरह का, ऐसे, ठीक है, जल्दी से तो हम कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ मेरा ब्लैक है वहाँ गोरा कर लेते हैं, तो देखिए कितना अच्छा, कितना स्मार्ट लगने लगा, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब क्या करना होगा, देखिए अभी आपका यहाँ ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक कर देंगे, ठीक है, ब्लैक से गोरा। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर, अब यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा और इसको जूम कर, जूम आउट करके और छोटा कर लेना होगा और यहाँ से हम यहाँ रख देंगे, यहाँ से अपना फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से डन कर देना होगा और डन करके यहाँ देखिए ऊपर
शेयर के बगल में एक एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। और देखिए यहाँ व्यू एडिट्स पे क्लिक करके और यहाँ लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जूम करके अपने फेस पर अप्लाई कर देना होगा कुछ इस तरह का। देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है, तो ऐसे आपको स्मूथ करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना है स्मूथ, बस खाली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बताते आज स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए गाइस, थोड़ा हमें जल्दी करना है, आपको थोड़ा अच्छा से करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना होगा। तो जैसे देखिएगा आज मेरा फेस स्मूथ हो गया है, आप ध्यान से देखिएगा फेस स्मूथ हो गया है। अब आपको यहाँ से डन कर देना होगा, फिर यहाँ देखिए बैक आ जाना है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ से शेयर करना होगा एक नया एप्लीकेशन के अंदर, जैसे देखिए एक ऐड टेक्स्ट का एप्लीकेशन है। तो जैसे देखिएगा आज इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे, तो यहाँ देखिए मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। हमें इस पर क्लिक कर देंगे और इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ फ़ोटो लगाना है, तो हम इसी एप्लीकेशन से लगाएंगे बहुत इजी तरीके से। फिर यहाँ देखिए फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और फिर आपका गैलरी आ जाएगा। गैलरी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो जैसे देखिएगा यही डीपी में हमें लगाना है, तो यही लगाएंगे। फिर आपको यहाँ देखिए क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, आपको जिस तरह का क्रॉप करना है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे आपका क्रॉप का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल पे हम क्लिक करके इसको ऊपर लेकर जाएंगे, मेरा डीपी वाला फ़ोटो कट जाएगा बहुत ही तरीके से। अब इसको ऐसे हम छोटा कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसे। तो देखिए गाइस कितना अच्छा बैठ गया, अभी और छोटा करेंगे, अभी सही में बैठा है, देखिए कितना अच्छा बैठ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना है माय डीपी और ऊपर लिखना है स्टार फोटो एडिटिंग, ठीक है। फिर आपको यहाँ ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा और ऊपर लिखेंगे STAR स्टार फोटो एडिटिंग, ऐसे लिख देंगे हम। अब लिखेंगे नीचे यहाँ माय डीपी थोड़ा बड़ा में, ठीक है, तो हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं MI और DP, ठीक है। तो माय DP हम थोड़ा बड़ा में लिख देंगे, देखें। तो देखिए गाइस मेरा फ़ोटो एडिट हो गया DP वाला। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहां से आपको डन कर देना होगा और सेव इमेज में सेव कर लेना होगा। तो गाइज आपका फ़ोटो आपके गैलरी में पहुंच गया है, आप जाकर वहां से देखिए। और हाँ, आपको ऐसा ट्रिक कोई बताएगा नहीं DP फोटो एडिटिंग, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। हाँ तो गाइज देखिए मेरे चैनल को आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्यार दुलार ढेर सारा देकर जाइएगा। तो चलिए गाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय।